ये जो एयर स्प्रे पेंटिंग है ना, इसे कंप्रेस्ड एयर पेंटिंग भी कहते हैं। ये पुराना तरीका है पेंट करने का। इसमें एयर कंप्रेसर से पेंट स्प्रे गन के थ्रू बराबर और स्मूथ निकलता है। एयर स्प्रे पेंटिंग बहुत काम का है। गाड़ी पेंट करो, फर्नीचर पेंट करो, जैसे कोई हुनरमंद कारीगर हर चीज पे पेंट हो जाता है। लेकिन इसकी एक कमी है, पेंट ज्यादा लगता है, जैसे पानी में छेद करना, फायदा कम नुकसान ज्यादा, ज्यादा स्प्रे हुआ तो पेंट खराब। फिर भी एयर स्प्रे पेंटिंग बहुत जगह यूज होता है, जैसे चावल हर जगह जरूरी है। अब बात करते हैं एयरलेस पेंटिंग की। इसे एयरलेस स्प्रे, वैक्यूम स्प्रे या हाई प्रेशर स्प्रे भी कहते हैं। एयरलेस पेंटिंग में कंप्रेस्ड एयर नहीं लगता, हाई प्रेशर पंप से पेंट स्प्रे गन से निकलता है, जैसे मॉस्किटो स्प्रे। हाथ में जो एयरलेस स्प्रे गन होती है उसमें पेंट की पाइप होती है, एयर पाइप नहीं होती। एयरलेस पेंटिंग का फायदा ये है कि पेंटिंग जल्दी होती है और ज्यादा एरिया कवर होता है। बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए अच्छा है, जहां जल्दी काम खत्म करना हो। एयर स्प्रे पेंटिंग के मुकाबले एयरलेस पेंटिंग में पेंट कम लगता है, जैसे घर का बजट केयरफुली मैनेज करना। लेकिन एयरलेस पेंटिंग के भी कुछ नुकसान हैं। दुनिया में कोई चीज परफेक्ट नहीं होती, क्योंकि इसमें कंप्रेस्ड एयर नहीं लगता, पेंट की लेयर मोटी होती है, स्मूथ फिनिश थोड़ा मुश्किल होता है। एयरलेस पेंटिंग छोटी जगहों, कॉर्नर्स या पतली पेंट लेयर के लिए सही नहीं है। अब देखते हैं एयरमिक्स पेंटिंग टेक्नोलॉजी। एयरमिक्स पेंटिंग एयरलेस और एयर स्प्रे पेंटिंग दोनों के अच्छे पॉइंट्स कंबाइन करता है, जैसे दो टेस्टी डिशेस एक साथ खाना। एयरमिक्स पेंटिंग नाम सेम्स क्रेमलिन ने दिया है। एयरमिक्स स्प्रे गन में हाई प्रेशर और एक्स्ट्रा एयर पाइप दोनों होते हैं, मतलब स्प्रे गन में दो पाइप्स होती हैं। इससे पेंट फिनिश अच्छा आता है और पेंट भी कम लगता है। एयरमिक्स पेंटिंग कार और फर्नीचर बनाने जैसे इंडस्ट्रीज में ज्यादा यूज होता है, जहां स्मूथ और हाई क्वालिटी पेंट फिनिश चाहिए होता है। अगर बारीकी और स्पीड दोनों चाहिए तो एयरमिक्स पेंटिंग अच्छा ऑप्शन है। अब बात करते हैं एयर असिस्टेड स्प्रे पेंटिंग की। एयर असिस्टेड स्प्रे पेंटिंग एयरमिक्स पेंटिंग की तरह ही एक्स्ट्रा एयर यूज करता है, लेकिन इसमें पेंट कोटिंग ज्यादा मैटर करता है। एयर असिस्टेड स्प्रे पेंटिंग नाम वाग्नर ने दिया है। मैंने मशीन्स देखे हैं और कैसे काम करते हैं, वो देख के लगता है एयर असिस्टेड और एयरमिक्स पेंटिंग सेम टेक्नोलॉजी है, नाम अलग है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन की वजह से। दूसरे ब्रांड्स इसे एयर असिस्टेड या एयर असिस्टेड स्प्रे गन कहते हैं, टेक्नोलॉजी सेम ही है। यहाँ एयर स्प्रे पेंटिंग की तरह पेंट की ओ मिस्ट बनाने के लिए नहीं, हेल्प करने के लिए यूज होता है। इस टेक्नोलॉजी से पेंट अच्छे से मिस्ट बनता है, कंट्रोल करना भी आसान है, थिक लेयर्स के लिए अच्छा है और पेंट बराबर लगता है। एयर असिस्टेड स्प्रे पेंटिंग कंस्ट्रक्शन और हैवी मशीन्स वाले इंडस्ट्रीज में ज्यादा यूज होता है, जहां स्ट्रांग और प्रोटेक्टिव कोटिंग चाहिए वहां ये काम आता है। सॉलिड और रिलायबल कोटिंग के लिए एयर असिस्टेड स्प्रे पेंटिंग अच्छा ऑप्शन है। सही टेक्नोलॉजी चूज करना इंपॉर्टेंट है। सही पेंटिंग टेक्नोलॉजी से सरफेस क्वालिटी, स्पीड और कॉस्ट पे फर्क पड़ता है, जैसे कपड़े चुनना ध्यान से देखना चाहिए। एयर स्प्रे, एयरलेस, एयरमिक्स और एयर असिस्टेड पेंटिंग में से चूज करते टाइम फाइनल रिजल्ट और यूज क्या है ये सोचना चाहिए। जैसे रेस्टोरेंट में खाना ऑर्डर करना, अपने टेस्ट और नीड के हिसाब से चूज करना। एयर स्प्रे पेंटिंग थिन लेयर्स के लिए अच्छा है और खर्चा भी कम है। एयरलेस पेंटिंग थिक लेयर्स के लिए अच्छा है। एयर असिस्टेड और एयरमिक्स पेंटिंग नई टेक्नोलॉजीज हैं। प्रोजेक्ट की जरूरत के हिसाब से सही टेक्नोलॉजी चूज करनी चाहिए। कॉस्ट, टाइम और टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स सब ध्यान रखना चाहिए। www.sungfunsen.com info@taishun.com